14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उसके बाद इस केस में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते गए। अगर हम बात करें आज की, तो आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था वो ये कि रिया चक्रवर्ती आज सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें वो ये कहती नज़र आई कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और साथ ही साथ भगवान पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही साथ रिया ने ये भी कहा कि उनके बारे में जो भी खबरें टीवी चैनल्स पे चल रही हैं वो सरासर गलत हैं, क्योंकि उनका इस केस में कोई भी ऐसा लेना देना नहीं है। जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। इन्होंने जब वीडियो पोस्ट किया था उससे कुछ देर पहले ही ईडी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू किया था। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो दर्ज किया गया था। इसमें रिया चक्रवर्ती का भी नाम था और साथ ही साथ कुछ और लोगों का भी नाम था। इससे पहले के सिंह ने पटना में FIR दर्ज कराई थी। उसमें उन्होंने शिकायत में ये भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को एक तरह से पूरा अलग कर दिया था और उन पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई थी। साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए का जिक्र के सिंह ने किया था। जो FIR थी उसमें यह भी कहा गया था कि सुशांत के अकाउंट में जो 15 करोड़ रुपए थे उसमें कुछ उलट फेर हुआ है। उसी के सिलसिले में आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो दर्ज किया है। हालांकि महाराष्ट्र के जो पूर्व CM हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी आज सुबह यही मांग की थी कि कम से कम ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करे, इस पर आगे का काम करे। इसके अलावा आज शेखर सुमन, उन्होंने भी मुलाकात की महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनसे और उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की CBI जांच हो। इससे पहले शेखर सुमन ने यह भी आरोप लगाए थे कि बॉलीवुड में गैंगिज्म चल रहा है, मतलब एक ऐसा गैंग है जो छोटे शहरों से आने वाले लोगों को या फिर इंडस्ट्री से जो ताल्लुक नहीं रखते हैं वो जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में उनके साथ भेदभाव कर रहा है। अंकिता लोखंडे भी आज सामने आई। अंकिता लोखंडे यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, जो पवित्र रिश्ता में भी उनके साथ थी, वो भी सामने आई। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत के पास वो कभी पैसों के बारे में सोचते ही नहीं थे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जिंदा दिल इंसान थे और वो ऐसा कदम उठाएंगे ये सोच नहीं सकते, क्योंकि सुशांत पूरी प्लानिंग के साथ चलते थे। आने वाले 5 साल में उन्हें क्या कुछ करना है वो एक एक चीज़ डायरी में नोट करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। उस ऐसे में अगर वो डिप्रेशन, अंकिता ने एक बात और भी कही थी कि वो डिप्रेशन में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं वो घूम फिर के एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि सुशांत को, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब वो कौन है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आरोप सारे के सारे जो आरोप है वो रिया चक्रवर्ती की ओर लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को, ये मामला जो है वो पहुंच चुका है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की है। उन्होंने ये मांग की है कि जो केस पटना में दर्ज है उसे मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है वो मुंबई का है। सुशांत से रिलेटेड जो भी चीज़ें थे वो मुंबई में हुई, इसीलिए केस को मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा, यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने कैविएट फाइल की है, उसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार का भी पक्ष इस पूरे मामले में सुना जाए और एक तरफा फैसला ना हो। बिहार पुलिस भी मुंबई पहुंच चुकी है, एक के बाद एक लोगों से पूछताछ भी हो रही है, बातचीत की जा रही है, क्योंकि जो केस है सुशांत सिंह के पिता ने वो पटना में कराया था दर्ज, इसलिए बिहार पुलिस अब मुंबई में है और मुंबई पुलिस की मदद भी मांग रही है, क्योंकि आज बिहार के जो DGP हैं उन्होंने भी बैठक की थी और ये कही थी कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग करें। तो कुल मिलाकर आज के जो 5 बड़े अपडेट थे वो ये कि रिया चक्रवर्ती आज सामने आई, उन्होंने अपनी बातें रखी। दूसरा, रिया चक्रवर्ती पर ईडी ने शिकंजा कसा। तीसरा, अंकिता लोखंडे सामने आई, उन्होंने अपनी सारी बातें कहीं, सुशांत से जुड़ी सारी किस्से बताए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो अभी फ़िलहाल 5 अगस्त को होनी है। पांचवा, शेखर सुमन ने आज फिर से मांग उठाई है, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, महाराष्ट्र के राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और मांग की है कि पूरे केस की CBI जांच हो। खैर, आने वाले दिनों में बहुत सारे अपडेट्स इस पे और भी आने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती आगे क्या कुछ करती हैं, क्या कुछ कहती हैं और साथ ही साथ बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस का अगला कदम क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। इस पर भी हमारी नज़र रहेगी।